व्हाट्स अप गाइस, दिस इज रचित फ्रॉम रचित यूजफुल टिप्स। सो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि अक्सर काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, फ्रेशर्स मुझसे पूछते हैं कि क्या सर हम बॉन्ड जो होता है कंपनी में एक साल दो साल का, क्या वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं। सो इसका आंसर है एब्सोल्युटली येस। एट एनी स्टेज ऑफ योर लाइफ, अगर आप बॉन्ड आपको कंपनी कहती है करने के लिए और आप रियली में जॉब ही करना चाहते हैं, आपका इच्छा नहीं है कि आप बिजनेस में जाएँ या किसी और फील्ड में जाएँ, तो आप बॉन्ड ज़रूर करिए। इसका फ़ायदा मैं सबसे पहले बताता हूँ। बॉन्ड जब ओवर होता है, सबसे पहली बात, बॉन्ड जब ओवर होता है तो आप जब दूसरी कंपनी में जाते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा हाइप मिलती है, एक बहुत अच्छी पोजीशन में मिलती है। सेकेंडली, HRs जो होते हैं वो आपकी स्किल के साथ आपका कमिटमेंट भी देखते हैं। तो जो बॉन्ड होता है किसी कंपनी से, वो आपको जो आप ओवर करते हैं तो आपको जो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है उसमें बॉन्ड का मेंशन होता है, तो बहुत क्लियरली मेंशन करता है कि हमारे साथ ये दो साल आदमी रहा, ये हमारे साथ कमिटेड रहा। और अच्छी अच्छी कंपनी जब बहुत ऊंची पोजीशन पर रखती हैं या किसी हायर अथॉरिटी में रखती है, मैनेजर या हायर पोजीशन या CEO, CTO, तो आपकी स्किल्स तो इम्पॉर्टेंट है ही, मगर आपको अगर लॉन्ग अगर आपको बिजनेस में रहना है सॉरी लॉन्ग अगर आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रहना है, अच्छी जॉब प्रोफाइल में करनी है, तो आपको आपका कमिटमेंट भी दिखाना पड़ेगा। तो बॉन्ड्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा कमिटमेंट आपको दिखाते हैं। सो बॉन्ड इसलिए मैं बताना चाहूँगा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सेकेंडली, अगर आप सोचते हैं कि मैं बॉन्ड तोड़ के दूसरी कंपनी में शामिल हो जाऊँ, तो समझ लीजिए, मान लीजिए मेरा एक साल का बॉन्ड है और मैं दूसरी कंपनी में जा रहा हूँ और बॉन्ड मैंने तोड़ दिया, दूसरी कंपनी में मैंने इंटरव्यू दे दिया, मैंने ये नहीं बताया कि मेरा बॉन्ड था और किसी और बहाने से मैंने अच्छा से झूठ बोल दिया कि पेमेंट अच्छी नहीं मिलती है या वहाँ पर वर्क कल्चर अच्छा नहीं, मैं चला गया। तो आप जब दूसरी कल्चर में जाएंगे, आप उस वक्त तो आपने सब राउंड क्लियर कर दिया, आप नेक्स्ट डे गए तो HR जो होते हैं क्रॉस चेक करते हैं अक्सर। तो जिस कंपनी में आप गए उस कंपनी का HR पिछले जिस कंपनी में आप काम करते हैं उस HR को कॉल करेगा, और वहाँ पर अगर HR ने बता दिया कि ये आदमी ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये ऐसी बॉन्ड तोड़ देता है, कंपनी में ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, तो आपकी दोनों तरफ से जॉब चली जाती है। बॉन्ड तोड़ने पे मोस्ट ऑफ द कंपनी कुछ वैसे बोला तो जाता है केस वेस होता है, ऐसा कुछ केस वेस करती नहीं है कंपनी मोस्ट ऑफ द पब्लिक, और करती भी है तो ज़्यादा बड़ा केस नहीं, छोटा मोटा कुछ एक आग वार्निंग जो होते हैं ना कोर्ट से आते हैं वो सब दे देती है, पर ऐसे केस को फॉरवर्ड नहीं करती अंटिल अनलेस आपको कंपनी का बहुत मेजर लॉस ना करे। तो मगर आपके करियर के लिए बॉन्ड रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए मैं आप सबको सजेस्ट करूँगा, आपको एट एनी स्टेज ऑफ योर प्रोफेशनल करियर अगर आपको बॉन्ड करने को बोला जाए तो आप बॉन्ड करिए। अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एज अ जॉब की तरह ही काम करना चाहते हैं, अगर आपको मन में बिजनेस करने का, तब तो बात अलग है, पर बॉन्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड वंस बॉन्ड ओवर होता है तो आपको बहुत ज़्यादा हाइप मिलती है, बहुत अच्छी हाई पोजीशन मिलती है नेक्स्ट कंपनी में, और लॉन्ग टर्म के लिए बॉन्ड एक बहुत अच्छी चीज़ है। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत यूज़फुल लगा हो। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं ऐसी करियर रिलेटेड और हेल्पफुल वीडियोज़ डालता रहूँगा। थैंक यू।